अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। इस्लामाबाद में एक मिनी जू कह सकते हैं इसको, या फिर एक फार्म कह सकते हैं, या फिर एक डेरा कह सकते हैं, जहां पर बहुत सारी भैंसें देखने को मिल जाती हैं, जहां पर फैंसी पोल्ट्री की हर किस्म की इम्पोर्टेड ब्लड लाइन नज़र आ जाती हैं, जिसके अंदर ब्रामा है, जिसके अंदर लैकन वेल्डर है, जिसके अंदर हैमबर्ग है, जिसके अंदर अयाम समानी है, और बेशुमार किस्म की ब्रीड्स हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बहुत सारी किस्मों के कबूतर देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ बतखें देखने को मिल जाती हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर छोटे बेंटम के अंदर काफी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। फिर हम लोगों को यहाँ पर भाई असील मुर्गे भी देखने को मिल जाते हैं, हम लोगों को फ्रीजेंट देखने को मिल जाती है यहाँ पर, और उसके बाद एक आधा जर्मन शेफर्ड भी देखने को मिल जाता है। भाई इतना शौक कहाँ से? बस ये आपकी दुआएं हैं। के साथ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह। यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट बड़ा यार अच्छा है, सामने बहुत प्यारा हमें व्यू नजर आ रहा है, यहाँ पे पहाड़ वगैरह नजर आ रहे हैं, और आप बता रहे हैं मरी के पहाड़। जी मरी के पहाड़ है ये, हम जहाँ पर भी लोकेशन है ये चकशदाद है, चकशदाद फार्म्स अच्छा है इसको, ठीक है, इस्लामाबाद में लोकेटेड है, चकशदाद फार्म्स के नाम से ये है, और फार्म नंबर 13 है, स्ट्रीट 12 है, और हमारा फेसबुक पेज बना हुआ है आप लोग पेज विजिट कर सकते हैं, पेज के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनके साथ, और अगर इसके अलावा कोई अपना फॉर्म विजिट करवाना चाहता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। पीछे आपके भाई के पहाड़ हैं, राइट साइड पे आप हमारे फार्म के साथ खेत हैं, लेफ्ट साइड पे भी खेत हैं, और ये ज़्यादातर ज़रूरी ज़मीन है यहाँ पर। मैं समझ नहीं पा रहा, ये आप यहाँ पर फार्मिंग मतलब शौक के तौर पर कर रहे हैं, बिजनेस है ये? असल में डेयरी फार्मिंग तो बिजनेस था, ठीक है, के साथ साथ ये बर्ड्स का जो काम है ये शौक में तब्दील हुआ, फिर शौक लग रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा महंगी म्यूटेशन, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लगाना, वो एक बिजनेस ही है। बिजनेस ही है, पर्पस तो इसका, लेकिन अभी ज्यादातर शौक के तौर पर एक एक ट्राई हुआ है। यस, एक एक ट्राई हुआ तो शौक है, और इंशाल्लाह ये बिजनेस भी साथ साथ चल रहा है, तो इंशाल्लाह बातें करते हैं, इससे बेहतर ये नहीं कि हम लोग विजिट करें। जी रियाज, सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप हमें? जी आए, मैं आपको ये अपने कोशामू दिखाता हूँ, कोशामू, अच्छा, इनका शौक करें, ये 20 करेंगे, अच्छा, 20 दोनों 20 करेंगे, तीनों मेल जो है 20 करेंगे, यस, और फीमेल जो 18 करेंगे। उसके अलावा आप ये देखें, हम पहले आपको कोशामू का शौक करवाएं अच्छी तरह से, माशाल्लाह। तो यहाँ पे बिल्ली बुली का खतरा नहीं कोई? नहीं जी, यहाँ पर हमने वो एक अच्छा सा एक कुत्ता रखा हुआ, डोंगी हमारा शाला, वैसे भी गाड़ी है पूरा, देखा है बदमाशों की तरह खड़ा हुआ है, ये भी समझे कि अपनी हिफाजत खुद कर लेते हैं, बड़े नोटी हैं ये कोशामो। वो फीमेल क्या एज की होगी? ये लगभग कोई 2 साल की होगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे क्या चीज़ है, आप कुछ डिफरेंट चीज़ दिखा रहे हैं मुझे? ये बहुत ही नायाब चीज़ है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है, मुझे चूँकि बैंटम का भी शौक है, ये आप देखें चॉकलेट जैपनीज पैंटर है, इनको थोड़ा बाहर वाली साइड पे ले आता हूँ। ये मेल देखें, इसकी टेल देखें, माशाल्लाह, ये सीधा 2 फीमेल, बड़ी एक यूनिक सी चीज लग रही है, और ब्लैक टेल से मिलता जुलता है ये। जी जी 20 का रिंग है ये, माशाल्लाह। अच्छा ये क्या ब्लैक टेल के अंदर कलर है? ये इसके साथ चॉकलेट मॉटल्ड है, ब्लैक, जिस तरह व्हाइट में ब्लैक मॉटल्ड आता है, इस तरह चॉकलेट, ये प्लेन चॉकलेट है, और ये ब्लैक मॉटल्ड है। आप बता देंगे फर्स्ट टाइम आया ये? ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया, और इसका कलर देखें आप, ये जो इसको रियल में भी देखें तो उसको मज़ा है, लेकिन आपको भी इसकी टेल देखें, माशाल्लाह इसकी बहुत यूनिक कलर है, देखें माशाल्लाह, उधर ड्राइंग थोड़ा सा इसको ज़रा स्टिक से, अच्छा छोटी छोटी सी फीमेल कौन सी हैं? जैपनीज, वो सेरामा? जी सेरामा, ये जो आपका सेरामा बहुत छोटा है, क्रीम कलर की, और ये मेल है इसका गोल्डन जो है, माशाल्लाह कमाल सेरामा, ये एक इसकी फीमेल देखेंगे माशाल्लाह, ये अंगूठे जितनी है, मतलब थंब पूरे थंब जितनी है, बहुत ही, ये भी अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट में आया। अच्छा ये सारे एक साथ रखे हुए हैं आपने? जी ये बेंटम जो है ना, ये यूजली मतलब फ्रेंडली होता है, तो इसमें मिक्सिंग नहीं हो जाएगी? असल में ये डस्ट में ले रहे हैं, तो कोशिश यही करती है कि ये थोड़ी देर के लिए खोलें, हम साथ बैठ देख रहे होते हैं, तो चूंकि वीडियो बना रहे थे हम, तो ज़रा एक अच्छी वीडियो बन जाती। अच्छा ये आ गया वो कॉइल? जी कॉइल बन गया, कॉइल बैंटम आ गया, ब्लू कलर में, ये भी अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, अच्छा अच्छा सही है माशाल्लाह, ठीक है आगे चलते हैं। जी आए आगे, और आगे क्या आप दिखाएंगे हमें? ये आपको स्टार्ट में हमारा मोर का एक पेयर है। कौन सा मोर है ये? इसको इंडियन कहते हैं। इसको ओपन करें सर प्लीज। आपको काफी है जी,
ये इंडियन है? यस इंडियन है। इसकी आपको लेंथ पता है कितनी है राउंड अबाउट? इसकी मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरे बड़े भाई ने शॉप में रखा था छोटे से बच्चे। आई थिंक 6 फीट तो 6 फीट होगा ये। आई थिंक 6 फीट होगा। तो ये बड़ा अच्छा अपने पर खोलता है। अभी डांस का है पूरा वाइब्रेशन मूड पे लगा हुआ था माशाल्लाह। तो ये हमने छोटे से बच्चे लिए थे, कुछ ग्रो किए हैं। अच्छा बच्चे पाले आपने? यस बच्चे पाले। और कितना टाइम लगा इसको यंग होने में? तकरीबन लगभग 2-3 साल लगे। कोई ब्रीड आई है आपके पास इसकी? एक दफा ब्रीड आई थी। ठीक है, 3 बच्चे आए थे, लेकिन वो चूंकि हमें मोर का रखने का कोई आइडिया नहीं था। तो बहुत फ्रेंडली है ये तो। यस, इतना पास कोई मोर आने नहीं देता देखें, क्योंकि बिल्कुल टेल के ऊपर है ये। और आप लोग इसके कलर्स देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये फॉर्म का समझे कि हमारा सबसे पहला जो ना वो बर्ड में बर्ड है, बर्ड है। और बहुत फ्रेंडली है भाई, मैंने इतना फ्रेंडली नहीं देखा सीरियसली। इसके कलर्स मैं इतनी करीब से कभी भी नहीं मोर के दिखाए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसे नजरे बद से बचाए। और ये इसकी फीमेल रही, ये भी ब्रूडिंग की थी? यस ये भी ब्रूडिंग। पता कैसे चला कि आपको मेल कौन सा फीमेल कौन सी है? तीन बच्चे लिए थे, तो वो उसमें से फिर मेल निकल ही आया था। वो बंदे ने यही बताया था, जानने को ले थे। तो बाकी बच्चों का क्या किया आपने? बाकी एक एक्सपायर हो गया था, तो उसके बाद ये एक फीमेल और एक मेल बच्चे। एक एक्सपायर हो गया। अच्छा इस साइड पे क्या आता है? ये आए मैं आपको साइड पर दिखाता हूँ, अंदर जाना पड़ेगा। हम लोग इधर से ही चलते हैं, शॉर्टकट। और यहाँ पे हमें शिपमेंट के बॉक्स नज़र आ रहे हैं। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिपमेंट के बॉक्स पड़े हुए हैं। और अंदर आई थिंक अयाम समानी के चिक्स हैं। यस, कुछ अयाम समानी के हैं, कुछ शामस के हैं, कुछ असल के हैं। आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा ना है, मैं बिल्ली नहीं है। यस, कबूतर देखिएगा, ये खोल सकते हैं इसको? यस, क्यों नहीं खोल सकते। ये जर्मनी से आए थे। अच्छा इम्पोर्टेड है? यस, एक दोस्त थे उन्होंने जो मुझे गिफ्ट किया था। सही है, बहुत प्यारे हैं। इनकी ब्रीड नहीं आई बरल, लेकिन ये हैं बहुत प्यारे खूबसूरत, आप देखे हैं। और क्या इसकी मार्केट होगी, कोई आइडिया दे सकते हैं आप? असल में मैंने सच्ची बात है इसको मोहब्बत और शौक में रखा। अगर किसी को मतलब लेने हो तो कितने तक के होने चाहिए ये? ये गालबन कोई एक पेयर, कोई एक पीस 15 का तो होगा। अच्छा इम्पोर्टेड का? इम्पोर्टेड है। वाओ, अच्छा रेट है। ठीक है। अच्छा ऊपर आपको फील्स का भी शौक है थोड़ा बहुत? नहीं ये थोड़ा बहुत तो नहीं लग रहा। सील असल में मेरा जो ज़ाती शौक है, पाकिस्तानी ब्रीड को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, ये फैंसी में तो बाद में आया हूँ, तो ये सील मैंने यहाँ पर जो शौकीन लोग हैं 2-3 उनसे, उनके शौक की वजह से रखे हुए हैं। आपको दरअसल जो फैंसी का शौक है वो दिखा सकते। ये हमारी जैपनीज शामू की फीमेल है। जैपनीज शामू की फीमेल? अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह इसका कलर देखें। और ये 20 के रिंग की फीमेल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत अच्छी फीमेल है। और इसकी ब्रीडिंग भी माशाल्लाह, एक लिंग भी अच्छी है, एक लिंग भी इसकी अच्छी है। और आप कलर देखें इसका, लेग्स देखें इसकी माशाल्लाह। अच्छा हम लोग अंदर चलते हैं जी, आप ये देख रहे हैं। अच्छा अंदर हम लोग आ चुके हैं इनके इंडोर में, और यहाँ पे डिफरेंट कलर के केजेस नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी ऊंचे हैं और किसी स्पेशल वायर से बने हुए हैं। डिफरेंट एक रखने का तरीका है इनका, तो क्या ये आइडिया कहाँ से है? जिस तरह कहते हैं ना कि ज़रूरत इजाती माँ होती है, तो वक्त के साथ साथ आपको शेड बने हुए मिलते हैं, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्रीड जब बड़ी हो जाती है। इनके गेट कहाँ पे हैं? तो कुछ ब्रीड जो है वो अंदर से बाहर आए गर्मियों में। अच्छा इस ब्रीड के बारे में बताएं प्लीज। ये ब्राह्मा है, ये यहाँ पर समय F1 जनरेशन है, दोस्त है उसे लिए। अच्छा यहाँ पे पले हैं आप जी? ब्रूडिंग आप अच्छी करते हैं यानी कि माशाल्लाह। ये F1 जनरेशन। अच्छा टेम्परेचर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं ब्राह्मा? मैंने सुना कि टेम्परेचर गर्मी जैसे ही होता है, लेकिन इसमें ये है कि आप इनको पानी ज़्यादा रखें और खुली जगह दें। अच्छा, और वेंटिलेशन रखें तो अच्छे चल जाते हैं। एक सीज़न ये अगर आपका सही, 2 सीज़न गर्मी सर्दी को बर्दाश्त मतलब एक दफ़ा हो गए तो क्लाइमेटाइज हो जाएंगे। तो क्या आप उनकी ट्रिमिंग करेंगे? मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम मेरे ख्याल में इतना अच्छा होता है कि आप इसको अच्छा सेकंड केज की तरफ हम चलते हैं जी। ये मेरे रिंग बर्ड्स हैं। ये कौन से हैं? ये ब्राह्मा लाइट की फीमेल है। ये मेल, उस मेल, वो मेल ज़्यादा अच्छा है आपका?
जो लोकल आपने रखा होगा जी, असल में ये ब्रीड टू ब्रीड फर्क पड़ता है, ये रोमानिया के बच्चे हैं, ये बेल्जियम के, ये बेल्जियम के इंपोर्ट है, रोमानिया का आपको पता है बर्ड्स की थोड़ी हाइट ठीक है, लेकिन इसकी फीमेल ज़्यादा अच्छी है उन फीमेल्स की निस्बत, तो शायद आपको चेंज कर देना चाहिए। ये मेल आप लोग देखें और आप गाइड करें कैसा है, और ये देखें आप, ये किससे लिया था आपने? ये फारूक भाई हैं, फारूक भाई ठीक है। ये केज का क्या साइज रखा हुआ है इसके लिए आपने? लगभग ये कोई होगा 3x4 का होगा। ये ऊपर क्या साइंस है मुझे समझ नहीं है, ये छोटे छोटे केजेस किस लिए हैं? असल में स्पेस ये छोटे नहीं है, 6-7 के हैं, मुझे छोटे लग रहे थे। हाँ, ये स्पेस समटाइम की जरूरत पड़ जाती है आपको कि मेल को या फीमेल को अलग करना है, ठीक है, कूड़क वगैरह हो जाए, कोई स्ट्रेस आ जाए, तो इसको दिखाएं जरा प्लीज। ये क्या चीज है? ये गोल्ड पैट्रिज है, गोल्ड पैट्रिज, यस ब्रामा, यस। ये भी एफ एम बीड है, ये लाहौर में एक दोस्त है, ये साइज काफी अच्छा है। हाँ माशाल्लाह, उनके पास थे। ज्यादा मार्केट किसकी है? ब्रामा में हर कलर चलते हैं, ज्यादातर लोग ये ब्लू कोलंबियन पसंद करते हैं। ब्लू कोलंबियन को देख के साथ कलर को लोगों के ज़हन में आता है ब्रामा ही आता है, ये ब्रामा है, यस। और डार्क को बहुत पसंद करते हैं मेरे जो बच्चे, ज्यादा अच्छे निकलते हैं, जो मैं पसंद करता हूँ खुद भी डार्क ब्रामा, मेरी फेवरेट ब्रीड है ब्रामा में। ये कौन से हैं? ये ब्लू गोल्ड पार्टीज है, ब्लू गोल्ड पार्टीज, ये कहाँ की ब्रीड है? ये भी बेल्जियम से F1 जनरेशन है, लाहौर में दोस्तों ने दिया था, ये ब्रीडर पेयर था। इसके कलर्स जो है ना मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, जो इसकी चेस्ट है वो ब्लू है, यस, और उसके शोल्डर जो है रेड है, और उसकी जो नेक है वो येलो कलर की, उसकी टेल जो है फिर से ब्लू हो जाती है। तो ये भी फीमेल थोड़ी और अपना कलर चेंज करेगी, ये फीमेल इसी की है, इसके कलर से मैच कर रही है, ये इसी के साथ ही। ये भी असल में क्या कहते हैं, मोल्डिंग के बाद थोड़ा सा सीजन चेंज होता है, तो बाल वाले भी उतर जाते हैं, फिर डेफिशिएंसीज कुछ होती हैं, वक्त के साथ साथ इसकी कलरिंग और प्यारी हो जाएगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिटनेस बहुत अच्छी है इसकी, मेल साइज बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला नजरें बद से बचाए, और सीरियसली मुझे अच्छा लगा आपका शॉप देख के, ठीक है। अच्छा, आगे हमें वाइंड आउट नजर आ रही है, यस ठीक है, तो इसको भी हम अंदर से जाके दिखाते हैं आपके, सिल्वरलेस वाइंड आउट लार्ज के अंदर। अच्छा, ये एग लेंगे? यस, एग कर रही है, एग लेंग कर रही है, ठीक है। ये इसको ओपन क्यों रखा हुआ आपने? ये असल में बाहर निकलने के लिए, जरूरी नहीं है इसको बंदी कर देते हैं, बस वैसे ही कैचुअल, मुझे लगा कि शायद अंडे वगैरह वहाँ पर दें, शायद इसलिए ओपन रखा हुआ है। अच्छा, क्या मेल का रिंग कौन सा आपके था? ये 20 का रिंग है, 20 का रिंग है, ठीक है, ये 20 का रिंग है मेल का, 20 की फीमेल है, ये चेक करें और आप लोग लाजमी बताएंगे आपको कैसे लगे हैं। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं और इनके पास क्या है। ये देखें हसन भाई, ये हमारा वाइट पॉलिश है, ये मैंने हमारे लाहौर के दोस्त हैं उनसे लिया था, ये लोकल है, ये लोकल है ना जी, इसको बाहर निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं, अंदर थोड़ा डार्क है तो नजर नहीं आ रहे जी, और कितने पास है यार, वो तो निकल गई एक मिनट में, मौके के इंतजार में थी वो पहले से ही। ये देख सकते हैं वाइट पॉलिश, माशाल्लाह प्यारा, माशाल्लाह। उसके बाद ये वॉरवेक देखें आप, वॉरवेक 1+2 है, 1+2 है वॉरवेक का मेल, माशाल्लाह आपका बहुत हैवी है। ये रोमानिया से आए थे, इनके रिंग नहीं है, लेकिन ये इंपोर्टेड रिंग बर्ड्स हैं, काफी डार्क हो रहा है, इसको थोड़ा बाहर निकाल। ये देखें वॉरवेक फीमेल। अच्छा, ये जो राइट साइड पे फीमेल बाद में निकली है ना, जो मेल है आपका बहुत कमाल है बनिस्बत वो लास्ट फीमेल के, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर क्या बैठा हुआ है? ये डार्क की फीमेल है, ये थोड़ी सी कुड़क हो गई थी, इसको हमने अलग कर दिया। अच्छा, ये कुड़क भी करती हैं? हाँ, कुड़क हो जाती हैं, तो ये फिर मेल इनको मारता है, थोड़ा स्ट्रेस में ना जाए तो अलग किया, अभी इनमें पर वगैरह निकाल रही है। ये मजेदार चीज बैठी हुई है माशाल्लाह, एक डिफरेंट ही चीज है, जो नया शौकीन देखते हैं ना वो कहते हैं यार ये है क्या चीज। ये मैंने 3 महीने के पट्टे लिए थे, तो फिर उनको मैंने कुछ बोर्ड के बाद इसलिए आपको लगता है फोर चूजा देना पड़ेगा फूडिंग के लिए। अपनाइयत इनके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर आप जब खुद पालते हैं किसी चीज को मोहब्बत हो जाती है।
काफी ज्यादा घुले मिले आप लोगों के साथ ना ये चैनल आपके, इसके साथ मैंने इसे जोड़ा लगाया हुआ तो इनको अलग इसे रखा हुआ कि बाहर ना चले। सही है, आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा है, ये टर्किश शंट है, ये 18 का रिंग है, 20 की रिंग है, लेकिन साइज है टर्किश का, आपको पता ही है कि इसका इसकी हाइट वगैरह मियां वाली टाइप ये जर्मन और जापानी सोर से हाइटेड होता है, मोटा होता है। ठीक है, और ये उसका मेल है, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये मेरे फॉर्म की सबसे प्यारी ब्रीड है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसके बच्चे कमाल के समझाए गए, जब भी निकलते हैं तो मजा आता है। अभी क्या एज है इसकी? एज ये भी 20 का है। इनको रिंग कितने एमएम का पता है, कोई डरता कोई आइडिया आपको एमएम से? मतलब ब्रीड का साइज क्या होता है? 27 mm का रेंज इसका। मुझे असल में इतनी ज़्यादा इसकी मालूम नहीं है। अच्छा, अब हम लोग इस तरफ चलते हैं जी, और ये देखें क्योंकि बर्ड को गर्मियाँ होती है तो स्पेस हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस रखें। ठीक है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं आजकल ब्लू एग्स, ब्लू अरुकाना, इसका डोर ओपन करें सर प्लीज। ये चिली की ब्रीड है, कहाँ की? चिली एक कंट्री है ये यूरोप का, उसकी ब्रीड है। इसके जो एग्स हैं वो ब्लू कलर के, ब्लू कलर के होते हैं, ये इनकी ग्रीन एंड ब्लू, यस मूछें भी निकली हुई हैं, दाढ़ियाँ दो साइड पे हैं। मैं आपको इसके एग्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, लिंक कर रहे हैं इस टाइम, एक लिंक कर रहे हैं, ये डार्क में और ये लाइट कलर में। इसकी क्या वैल्यू होगी इस टाइम? ये बच्चे की वैल्यू, इसका भी ऑलमोस्ट 3000 का बच्चा निकलता है। 3000 का? और डेज कितने होते हैं? 15 से 20 दिन yes. का। वाओ, अच्छा हेरिटेज ब्रीड है। ठीक है, 20 के, ये 21 के रेंज। प्लेमाउथ की मार्केट कैसी जा रही है इस टाइम? बेहतर है, ये RIR और इनकी एक ही तरह की मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब लोग पसंद करते हैं। असल में हर बंदे की अपनी पसंद है। सुसेक्स तो नीचे जा रही है ना जी? असल में सुसेक्स तो आजकल बहुत ज़्यादा हॉट आइटम है, हर कोई सुसेक्स मांग रहा होता है। सुसेक्स इस तरफ पड़े हुए हमें पता ही नहीं है, देखें जरा। देखें जी, ये पट्ठा है और वो 21 की फीमेल है, माशाल्लाह। अच्छा, आपने बाहर वाली साइड पे भी बर्ड्स रखे हुए थे काफी सारे? ओपन एरिया में रखे हुए थे, ग्रीन एरिया में वेजिटेबल्स वगैरह उनको गर्मी में बाहर दे देते हैं। लेकिन वेल्डर्स, ये लेकिन वेल्डर है 1+3 का सेट है। 1+3 ये मेरे वाले हैं जी? आपके वाले हैं, आपसे लिए थे। ये 2020 के रेंज है, ये तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं, बधित हो गए आने के बाद। सही है। अच्छा, यहाँ पर ब्लू ऑस्ट्रोलॉग, ये ब्लू ऑस्ट्रोलॉग है, आजकल बहुत पसंद करते हैं लोग इसको, ब्लू ऑस्ट्रोलॉग। और इस टाइम शॉर्ट है जी? शॉर्ट है, शॉर्ट आइटम है, मिल नहीं रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग ब्लू ऑस्ट्रोलॉग, ये रोमानिया से बोर्ड हुए हैं। अच्छा, मेल बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर आपका, माशाल्लाह। फीमेल्स भी अच्छे हैं, मेल बहुत अच्छी क्वालिटी में। और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ जाता है ब्लैक ऑस्ट्रोलॉग, ब्लैक ऑस्ट्रोलॉग। मैं मेल उठाता हूँ, ये इसकी हाइट देखें माशाल्लाह। ये देखें जी, काफ़ी लंबी लेंथ है इसकी जी। अभी सीधी टेल नहीं कर रहा, उठा के नहीं चल रहा, और है भी पट्ठा, चुड़ाई में आएगा, कोम बड़ा करेगा अभी अपना। अभी यहाँ पूरी लोबन पे आएगा ये, ये भी ब्रीडिंग कर रहा है। अच्छा, ब्रीड आ रही है इसकी, माशाल्लाह। सही है। अच्छा, हम लोग अब उस साइड पे चलेंगे जहाँ पर सिल्की हैं जी। हाँ सब चाहिए आज, ये सिल्की का ट्रायल है। ठीक है, अभी रिसेंटली इंपोर्ट हुआ है। ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ है? ये जर्मनी से ही है। ये लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि जी सिल्की भी हमें दें, तो पाइपलाइन में थी चीज़ें, तो इसलिए फिर मैंने एक और ट्रायल लिया ताकि लोगों को इनकी चिक्स वगैरह मिल सके। ये तो बिल्कुल ही कॉटन नहीं होता है। यस, ब्लू एयर्स में है ये, देखें बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला से नजरबाद से बचाएं। इसके पाँवों के ऊपर आप देख सकते हैं अच्छी तरह फीजर जो है, इसकी नेक के नीचे आप देख सकते हैं।
ये कब से आपके पास? ये भी मैंने रिसेंटली इसको वन वीक भी नहीं हुआ। वन वीक भी नहीं हुआ अभी? अच्छा, लाने के बाद कितने दिन तक क्वारंटीन करते हैं आप? कमोबेश इनको आप 15 दिन तक अलग ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, 15 डेज तक बिल्कुल ना करें, लेकिन ये हेल्दी थी तो इसलिए मैं इनको फार्म ले आया था। कुछ बर्ड्स मैंने घर पर रखे हैं, मैं भी वो आपको इंशाल्लाह अगली दफ़ा आया तो दिखाऊंगा। भाई वापस आ जाए। अच्छा, बाजी है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा। तो यार लाइक शेयर कमेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। एंड भी तो